उसमें जाने के बाद ये शुद्ध हो जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अभी तक ये डीऑक्सीजनेटेड था, इसलिए ब्लू कलर का था, अर्थात इसमें CO2 मिली हुई थी। और जब ये लंग्स में जाता है तो लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद में ये आता है हमारे बाएं निलय में, बाएं आलिंग में, और बाएं आलिंग से बाएं निलय में, और यहाँ से इसको एओर्टा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा उठाया जाता है और पूरे शरीर में इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है, ये शासकीय बालक उमावि क्रमांक 2 के विद्यार्थियों द्वारा पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की एक बेस्ट लैब जो है हमारे आदरणीय दास सर DO सर द्वारा घोषित की गई है, उसके लिए हमारे बच्चों को मुझे भी पुरस्कार मिला है। मेरे लिए गर्व की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी प्रयोगशाला है। और यदि कोई प्राइवेट स्कूल के शिक्षक इसको देखना चाहे, जो ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रयोग नहीं होते या प्रयोगशाला नहीं होती, मैं उनको आज मीडिया के माध्यम से सादर आमंत्रित करती हूँ कि आए और हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखें। ऐसे कई वर्किंग मॉडल आपको वहाँ मिलेंगे, उत्सर्जन तंत्र का मिलेगा, श्वसन तंत्र का मिलेगा, सभी आप देख सकते हो। और ये मॉडल स्थायी है, कुछ मॉडल्स बनवाए गए हैं, ये शासकीय स्कूलों के ग्रामीण विद्यार्थियों के द्वारा मॉडल बनाया गया है। समाज में जो एक भ्रांति फैली हुई है कि किस प्रकार शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी लैब में जाते नहीं हैं, वहाँ के शिक्षक जो हैं वो लैब को अपने अच्छे तरीके से सुसज्जित नहीं रखते हैं, उस भ्रांति को दूर